सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये जो छोटी सी वीडियो है, इसका टॉपिक हमारा उदयपुर जयपुर इंटरसिटी के ऊपर होने वाला है। मतलब इस वीडियो में हम उस ट्रेन के बारे में चर्चा करने वाले हैं थोड़ी बहुत। और वैसे तो सभी को पता है कि हमारे सबके मन में काफ़ी टाइम से सवाल चल रहा है कि उदयपुर जयपुर इंटरसिटी को जो है 17 जनवरी 2021 से या 18 जनवरी 2021 आई गेस ई लोग को दे दिया गया था उसको उदयपुर से जयपुर के बीच में, लेकिन फिर उसको वापस फरवरी के बाद जो है डीजल ट्रैक्शन पर स्विच क्यों कर दिया गया। तो इसका जवाब ना तो परफेक्टली मुझे पता है, ना आप लोगों को पता है, ना किसी और को पता है। इसका जवाब सिर्फ रेलवे जानती है। और काफ़ी टाइम से हम लोग बस अंदाजे लगाए जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था अप्रैल के महीने में, कि हो सकता है कि जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 और प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो ओएचई वायर में। इसलिए इस कारण से भी उदयपुर जयपुर इंटरसिटी को जो है इन लोगों से शायद ना चलाया जा रहा हो। अब बात यह आती है कि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे चलो कि जब रिंगस सीकर रूट चालू हो जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू कर दी जाएगी तब शायद इस ट्रेन को वापस ई लोगों पे स्विच कर दे। लेकिन अभी मैं रिसेंटली 7 सितंबर को गया था जयपुर जंक्शन, और जब मेरी ट्रेन वहाँ से डिपार्चर ले रही थी फुलेरा के लिए, तब मैंने ये चीज़ देखी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू है और वहाँ पर ई लोगों का आवागमन भी चालू है। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 की साइड का यार्ड, और यहाँ पे जो है एक वेब 4 लोकोमोटिव जो है खड़ा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे वेब 4 का पेंटोग्राफ भी रेज हो रहा है, यानी कि वेब 4 जो है वो ओएचई वायर से अपनी पावर ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 और उसके साइड वाले यार्ड में जयपुर जंक्शन पर ओएचई में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है चालू कर रखी है। अब इसके बाद भी उदयपुर जयपुर इंटरसिटी को ई लोगों क्यों नहीं दे रहे जयपुर से उदयपुर के बीच में, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये वाली वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम सब लोगों को पता चल सके कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की साइड में इलेक्ट्रिक सप्लाई वो चालू कर रखी है रेलवे ने जयपुर जंक्शन पे। और मतलब अभी तक हम सबको लगता था, इनफैक्ट मुझे भी ये लगता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 की साइड में इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये मैंने देख लिया है और आप लोगों ने भी देख लिया, तो आई थिंक हम सबकी कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जानी चाहिए। बाकी बचा उदयपुर जयपुर इंटरसिटी का ई लोगों का चक्कर क्या है वो मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ रेलवे जानता है और इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सो गाइस, मेरी तरफ से इतना ही था आज की इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि इस ट्रेन को ई लोगों कब मिलेगा, तो बिल्कुल भी मत पूछना, मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।